हेलो गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एक कैलेंडर डेट कोई गिवन हो तो उसका डे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको समझने के लिए कि कैलेंडर डेट का हम डे कैसे फाइंड करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी मंथ की फर्स्ट तारीख को मंडे है, तो ये श्योर है कि टू को ट्यूसडे होगा और थ्री को वेडनेसडे होगा, फोर को थर्सडे होगा, फाइव को फ्राइडे होगा, सिक्स को सैटरडे होगा और सेवन को संडे होगा और एट को फिर से रिपीट हो जाएगा मंडे, नाइन्थ को रिपीट हो जाएगा ट्यूसडे एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसको मैथमेटिकली अगर समझे कि अगर हमें सेवन गिवन हो और हम इसका मॉड विद सेवन ले लें तो आंसर आएगा जीरो, और अगर हमें एट गिवन हो और इसका मॉड विद सेवन ले तो आंसर आएगा वन, और अगर हमें नाइन गिवन है तो इसका अगर हम मॉड विद सेवन लेंगे तो आ जाएगा टू, और इसी तरह से अगर 14 होगा तो 14 को फिर से संडे होना चाहिए। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 14 संडे है? अगर हम 14 मॉड सेवन करेंगे सो दिस विल गिव अस जीरो। इसका मीनिंग क्या है कि जीरो का मीन, अगर हम मॉड्यूलर सेवन लेते हैं और जीरो आता है तो इसका मीनिंग है संडे है, वन आता है तो हम कहेंगे मंडे है, टू आएगा तो कहेंगे ये ट्यूसडे है, थ्री आएगा तो हम कहेंगे वेडनेसडे है, फोर आएगा तो हम कहेंगे ये थर्सडे है, फाइव आएगा तो हम कहेंगे ये फ्राइडे है, सिक्स आएगा तो हम कहेंगे सैटरडे है, और अगर जीरो आएगा तो हम कहेंगे संडे है। ओके, तो इस लॉजिक को यूज करते हुए हम इस टास्क को सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टोरी समझते हैं कि हमें करना क्या है। हमारे पास एक डेट गिवन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे डेट गिवन है 16/9/2023। हमें ये पता करना है कि 16/9/2023 को कौन सा डे होगा। तो इसके लिए हम एक रेफरेंस लेते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर का, जो ये कहता है कि 01/01/01 मतलब 1 जनवरी 01 को मंडे था। तो इस चीज को अगर हम रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ें और हमें ये पता करना हो कि इस डेट को जो हमें गिवन है इस दिन कौन सा डे था, तो इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी? हमें पता करना पड़ेगा कि एक 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 से लेके 16/9/2023 तक कितने डेज टोटल पड़े, और डेज जितने पड़े अगर हम कैलकुलेट कर लें और उन डेज का आप मॉड्यूलस विद सेवन कर लें और फिर ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई वैल्यू होगी, जीरो आएगा तो आप कहिएगा संडे है, वन आएगा तो आप कहिएगा मंडे है एंड सो ऑन सो फोर्थ, अगर सिक्स आएगा तो आप कहिएगा कि ये सैटरडे। डेज हम कैसे कैलकुलेट करें? डेज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि 16/09/2023 जो ईयर है उससे एक पहला ईयर जो हमारा होगा वो होगा 2022। तो हमें ये पता कर लेते हैं कि 31 दिसंबर 2022 तक टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। तो हम कहाँ से फाइंड कर रहे हैं? 01/01/01 से लेके और 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2022 तक टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। इसके लिए सिंपली आपको एक काम करना है कि आपको ये पता करना है कि टोटल ईयर्स कितने पड़ रहे हैं यहाँ से इसके और इसके बीच में। तो टोटल ईयर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? 2022 -01 और +1, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हमारे हो गए? 2022 ईयर्स हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमने पता कर लिए हैं, अगर इन ईयर्स को आप 365 से मल्टीप्लाई कर दें तो मोटा मोटा आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स के टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, क्योंकि एक ईयर में 365 डेज होते हैं। अब इनमें हमारे लीप ईयर्स छूट जा रहे हैं, उन लीप ईयर्स को हमें अलग से ऐड करना होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने यही किया था कि लीप ईयर्स के बारे में डिसाइड किया था कि कैसे हम लीप नंबर ऑफ लीप ईयर रेंज में फाइंड करते हैं। तो वाई को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, माइनस कर दीजिए वाई बाय 100 और वाई बाय 400 से इसको ऐड कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स हमें पता चलिए कि कितने हैं। जो आपने नंबर ऑफ डेज पता किए हैं वाई, उसमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स को ऐड कर दीजिए, तो टोटल डेज आपको पता चल गए कि 31 दिसंबर 2022 तक टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। अब आपको क्या करना है कि आपने एक साल पहले तक तो पता कर लिया कि कितने नंबर ऑफ डेज हैं,
लेकिन आपने यहाँ पे नहीं पता किया। अब आपको इसको अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई 16 9, अब आपके काम का ये चीज है कि 16 मतलब कि 16 सितंबर तक टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। 16 सितंबर तक टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, इससे पहले आप एक काम ये कर लो कि इस सितंबर से पहले अगस्त आएगा, उस अगस्त तक टोटल नंबर ऑफ डेज को आप इस डेज में ऐड कर लो। मैं ओके समझ रहे होंगे आप कि जो 16 सितंबर है वहां तक मुझे डेज फाइंड करना है। तो 16 सितंबर तक फाइंड करने के लिए आप एक काम करो कि आपने डेज ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 31 दिसंबर तक, वो डेज हैं। अब आप अगस्त तक मतलब कि इस सितंबर से पहले वाला जो पार्ट है उसमें आप नंबर ऑफ डेज फाइंड करो, मतलब अगस्त तक आप टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड करो। अगस्त तक आप डेज कैसे फाइंड करोगे? वैसे तो ये बात है कि जनवरी में 31 डेज होंगे, फरवरी में 28 डेज होंगे क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। फिर इसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, तो डेज में इतने ऐड कर लीजिए, डेज प्लस इज इक्वल्स टू दिस मच। लेकिन ये जो है, जो डेट आपको गिवन है ना, ये वेरी करेगी 16/9/2023। ये हो सकता है जनवरी हो, ये हो सकता है फरवरी हो, ये हो सकता है मार्च की कोई डेट हो। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम कितना डेज ऐड करें मंथ के हिसाब से। तो इसके लिए मेरी लॉजिक ये कहती है कि हम एक काम करते हैं, एक एरे बना लेते हैं, सिंपल सा एक मंथ का एरे बना लेते हैं, एम एरे बना लेते हैं, और इस एम एरे की जो साइज है उसको 12 की जगह 13 रख लेते हैं। मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी कि 13 हम क्यों रख रहे हैं। 13 इसलिए रख रहे हैं कि पहला नंबर हम 0 रखना चाहते हैं, उसके बाद जनवरी के डेज, फिर फरवरी के डेज, फिर मार्च के डेज, फिर अप्रैल के डेट, फिर मई के डेट्स, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो 13 साइज का हमने एक एरे बना लिया। अगर हमको 9th मंथ का डेट पता करना था तो हम 8 मंथ तक डेज पता कर लेते हैं लूप में, और लूप के अकॉर्डिंग इस एरे का 1st मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, इन सबको वन बाय वन हम डेज में ऐड कर लेते हैं। ये ऐसा चलेगा कि हम एक लूप चला देंगे, लेट्स से फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन, अगर हमने अगस्त तक चलाया है तो 8 तक चला देंगे और प्लस प्लस कर देंगे, और हम क्या करेंगे कि डेज में इस एरे के हिसाब से मतलब एम एरे के हिसाब से मंथ में कितने डेज हैं उसको ऐड कर देंगे। ये टास्क करने के बाद जो आपको डेट में डी गिवन था मतलब 16, इसको ऐड कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? डेज इज इक्वल्स टू डेज प्लस करंट मंथ में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, दैट इज डी। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज पता चल गया कि कितने हो गए। टोटल नंबर ऑफ डेज पता होने के बाद आप क्या करेंगे कि इसका मॉड्यूलस विद 7 ले लेंगे। अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लेंगे कि ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है कि संडे। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका हमने यहाँ पे अख्तियार किया। मान लीजिए कि हमारे पास एक डेट है 16/9/2023, मुझे यहाँ पे पता करना है कि इसका डे क्या होगा। तो मैंने इससे पहले क्या किया कि 31 दिसंबर 2022 तक टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल नंबर ऑफ डेज 2022 तक या 2022 के एंड तक कितने होंगे? 2022 माइनस 01 जिसको हम रेफरेंस मान रहे हैं और +1, सो दिस विल बी 2022। तो मान लीजिए कि ये टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है वो वाई है, और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए अब तक 31 दिसंबर तक। लेकिन इसमें कुछ लीप ईयर्स होंगे जिसमें 366 डेज होंगे, एक एडिशनल डे होगा, तो आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स होंगे y/4 माइनस y/100 प्लस y/400। प्लीज रेफर टू माई प्रीवियस वीडियो। अब आपको क्या करना है, लीप ईयर्स में एक एक दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो जो आपने डेज फाइंड किए हैं उन डेज में एल को ऐड कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, 16/9/2023 तक आपको पता करना है कि कितने डेज हैं। इसके लिए आप इस महीने के पहले मंथ तक मतलब 8th मंथ तक कितने डेज हैं उसको वन बाय वन ऐड कर दीजिए इस डेज में। तो मान लीजिए कि हमने ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद
डेज वेरिएबल अपडेट हो गया है नंबर ऑफ डेज अप टू अगस्त 31। अब आपको क्या करना है कि इसमें करंट मंथ मतलब सितंबर में कितने डेज उसको ऐड करना है। सो डेज इज इक्वल टू डेज प्लस 16। अब आपको टोटल नंबर ऑफ डेज पता चल गया कि कितने डेज हैं अप टू करंट डे। अब इस डेज का मॉड्यूलस विद 7 लेना। मॉड्यूलस विद 7 जो भी आएगा आंसर वो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। अगर ये 0 आएगा तो ये संडे होगा, 1 आएगा तो ये मंडे होगा, 2 आएगा तो ये ट्यूसडे होगा, और 3 आएगा तो ये वेडनेसडे होगा, 4 आएगा तो ये थर्सडे होगा, 5 आएगा तो ये फ्राइडे होगा, और 6 आएगा तो ये सैटरडे होगा। आइए इसको कोट करते हैं। ये मैंने पहले से ही कोड लिख के रखा हुआ है, आप देखिए इसको। हमने मान लिया कि जो हम डेट इनपुट कराएंगे वो होगा डी एम वाई के फॉर्म में, मतलब कि डी इज अ वेरिएबल विच इज टेकिंग इनपुट ऑफ डेज, एम मतलब मंथ और वाई मतलब ईयर। इसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ जो ईयर्स हैं उसको टी वाई ले लिया है। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना होगा, जो करंट ईयर है दैट माइनस वन। इसका मीनिंग क्या है कि आप नंबर ऑफ इयर्स जो फाइंड कर रहे हैं वो एक पहले तक कर रहे हैं, मैंने एक साल पहले तक, फाइन। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ लीप ईयर्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हुए, टी वाई बाई 4 माइनस टी वाई बाई 100 प्लस टी वाई बाई 400। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए इस एक साल पहले तक, टी वाई मल्टीप्लाइड विद 365 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स। इसके बाद आपने करंट ईयर को ये चेक कर लिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, करंट ईयर को आपको चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं। अगर करंट ईयर लीप ईयर है तो उस केस में क्या होगा कि एक एडिशनल डे होगा उस ईयर में, फाइन। हालांकि आपको इस काम को थोड़ा सा बाद में करना चाहिए, हम चलिए इसको इस काम को बाद में कर देते हैं। इसको यहां पर नीचे लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपने एक एरे बना लिया है मंथ्स का, 13 साइज का एरे। हमने साइज नहीं लिखा, मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड में इनिशियलाइज वैल्यू से ऑटोमेटिकली साइज ले लेगा। तो पहला 0, इसका मतलब है कि ये इसको हम यूज नहीं करेंगे। 1 मतलब जनवरी, 2 मतलब फरवरी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हर मंथ के ईयर्स को हमने यहाँ पे लिस्ट आउट कर लिया। जो भी हमें डेट में मंथ गिवन है, जैसे कि हमने भी एग्जाम्पल लिया था कि हमें जो मंथ गिवन है वो सितंबर गिवन है, तो सितंबर से पहले मंथ तक अगस्त मंथ तक आप डेज फाइंड कर लीजिए और उन डेज को डेज में ऐड कर लीजिए। तो आपने एक लूप चलाया कि 1 से लेकर एम माइनस 1 तक चला मंथ के एक पहले तक, और एरे से हमने एक वैल्यू पिक किया मंथ्स आई, उसको हमने डेज में ऐड कर लिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, वाई मॉडुलस 100, मतलब इससे हम ये फाइंड कर रहे हैं कि लीप ईयर है कि नहीं। लेकिन ये लीप ईयर आप तब पता करो जबकि आप फरवरी के बाद वाला कोई ईयर मंथ देख रहे हो, क्योंकि फरवरी तक तो इस लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है करंट करंट ईयर में। इसलिए यहाँ पे एक हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर जो हमारा मंथ है दैट इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 2, तभी आप इसकी बात करो या तभी आप ये फाइंड करो कि लीप ईयर है कि नहीं, और एक दिन बढ़ा दो अगर ये लीप ईयर है तो। और एम ग्रेटर देन 2 इसका मतलब है कि आप फरवरी के बाद मार्च की बात कर रहे हैं और उसमें एक डे बढ़ा दीजिए, फाइन। तो डेज में आपने डी ऐड किया है, मतलब क्या है कि अभी तक आप सबसे उल्टा चल रहे थे, पहले ईयर वाइज आपने कैलकुलेशंस किए, फिर आपने उसमें मंथ वाइज कैलकुलेशन किया, अब आप उस करंट मंथ के डे की बात कर रहे हैं, तो करंट मंथ के डे को आपने इसमें ऐड कर दिया। फिर आपने मॉडुलस विद 7 लेके एक्स वैल्यू ले लिया, अगर ये एक्स हमने फाइंड कर लिया तो सिंपल स्विच केस हमें लगाना है, 0 हुआ तो संडे, 1 हुआ तो मंडे, एंड सो ऑन सो फोर्थ, 6 हुआ तो सैटरडे। आइए इसको रन करके देखते हैं। तो इसमें हम एक डेट डाल देते हैं, लेट्स से हमने 16/9/2023 किया, तो आज की डेट है सैटरडे, आज का डे है सैटरडे, तो ये आंसर सैटरडे आ गया, फाइन। मान लीजिए कि हम प्रीवियस मंथ की बात करते हैं, प्रीवियस मंथ पे लेट्स से हमने फाइंड किया कि 15 अगस्त 2023 को कौन सा डे था, इट इज सेम, इट वाज अ ट्यूसडे, इट इज एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब है कि हमने कोड को सही से लिख लिया है।
आई होप आपको ये कोड समझ में आया। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि जिसमें कि करंट डेट हम पिक कर लें अपने कैलेंडर से सिस्टम के और उसका डे फाइंड कर लें। एंड देन हमने क्या किया, छोटा सा कैलेंडर बना दिया इसको, और कैलेंडर को एरो की के थ्रू मूव करते हैं। अगर एरो की लेफ्ट है तो हम प्रीवियस मंथ के कैलेंडर को शो कर देते हैं, एरो की नेक्स्ट है तो नेक्स्ट मंथ का कैलेंडर, एरो की अप है तो सेम मंथ का प्रीवियस ईयर का कैलेंडर, एंड सिमिलरली अगर एरो की डाउन है तो नेक्स्ट ईयर का सेम मंथ का कैलेंडर आप शो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।